आपको ड्रिप इरीगेशन के लिए ना ड्राई अगर सीड की मैं बात करूँ तो 15 से 16-17 मन उसके साइज के ऊपर देखते हुए ना आपका वेट लगेगा ड्राई का। ठीक है। किसान को तो बिल्कुल फ्रेश लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ये फ्रेश वो एक तो उसको प्योर शक्ल में मिल जाएगा और एक थोड़ा रेट कम है उसके। जी जी। ड्राई में कुछ मसले मसाइल हैं, तो सस्ते सीड को लेके इसके अंदर दूसरी वैरायटियों की मिक्सिंग कर देते हैं। आज नहीं कल ये मतलब यूज होना है आपकी किचन के तौर पर भी होना है इसने और इसमें इंडस्ट्री लेवल पे भी यूज होना है। जी दोस्तों, हमारे साथ तारिक भाई ओकाडा में मौजूद है, मैं आपका हौसला दे रहा हूं। तारिक भाई पाकिस्तान में वाहिद वो किसान है जिन्होंने 1 एकड़ से 650 मन जीवन लहसुन फ्रेश की पैदावार रिसेंट ईयर 2022 में ली है, जो कि एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान में, और ड्रिप एरीगेशन पे उन्होंने ये रिकॉर्ड लगाया है। और इस फसल से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा मुनाफा 3 सालों में कमाया है, लाखों रुपए से शुरू करके, और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी 23 एकड़ की अपने घर का सीड है, अपने घर की फील्ड है। तो इनसे चंद सवाल वो करते हैं जो अक्सर कमेंट्स में हमारे से भाई पूछते हैं। पीछे उनकी लश ग्रीन फसल भी आप देख सकते हैं। तो तारिक भाई आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, ये मैं माइक आपको लगाना चाहूँगा ताकि आपकी आवाज़ परफेक्ट आए। तारिक भाई सबसे अहम जो अक्सर दोस्तों के दिलों में रहता है खरीदते वक्त भी, जीवन लहसुन को बेचना कहाँ है, कैसे बेचना है, कौन खरीदेगा, कहाँ बिकेगा? नादर भाई बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ लाए आप। और जीवन के हवाले से ना ये वाकई आपकी बात ठीक है, काफ़ी दोस्तों का जो नया फार्मर आ रहा है उनका ये सवाल होता है कि जीवन को आगे सेल कैसे करना है। बिल्कुल। तो उसमें मेरे ख्याल में ना आप जिस इलाके में भी इसको लगाएंगे ना तो आप उस इलाके के ट्रेंड सेटर हैं। जी जी। ठीक है। आप जब अपने इलाके में एक नई चीज़ को लगाएंगे तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप उन दोस्तों को अपने फार्म पे विज़िट करवाएं जो अच्छी फार्मिंग कर रहे हैं और उनको इसके जो फ़ायदे हैं मतलब इस क्रॉप की जो पोटेंशियल है उसके हवाले से, इसका जो रेवेन्यू है उसके हवाले से गाइड करें और इसका जो फ्यूचर है जी जी उसका आप उनको बताएं। बिल्कुल। एक तो ये है कि आपका कस्टमर वो है जो आपके साथ टच है, मेन कस्टमर आपका वही है। जी जी। उसके अलावा चूंकि ये जीवन अभी सोशल मीडिया का दौर है जी। तो आप सोशल मीडिया के ज़रिए अपना जो पैगाम है, अपनी क्रॉप है, उनकी वीडियो तस्वीरें बना के उसमें अपलोड करें। तो मेरे ख्याल में अभी सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में लोग ज़्यादा टाइम देते हैं सोशल मीडिया को। बिल्कुल ऐसा ही। तो उधर से भी आपको काफ़ी अच्छे रेफरेंसेज आ जाएंगे। तो मेन जब तक इसका सीड सेल होना है तब तक तो ये दो सोर्स अच्छे हैं। बिल्कुल। एक आपका खुद का बनाया हुआ कस्टमर जिसको आप मोटिवेट करेंगे अच्छे फार्मर को। बिल्कुल। और प्लस दूसरा आप सोशल मीडिया के जरिए इसको इसके पॉजिटिव जो पहलू हैं उनको मतलब या जो भी आपके समझ में इस क्रॉप के हवाले से आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको शेयर करते रहें। बिल्कुल ऐसे। इसके बाद जीवन लहसुन 1 एकड़ में या 1 कनाल में कितना लगता है, जो आप रिकमेंड करते हैं ड्रिप एरीगेशन पे कितना लगता है, और ड्रिप एरीगेशन के अलावा सादा पानी जो खेलों के जरिए लगाया जाता है उस पे कितना लगता है? अच्छा नज़र भी, जीवन का जो सीड है ना 1 एकड़ के हवाले से मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है और वो राय ठीक है इस वजह से कि पैटर्न मुख्तलिफ होते हैं। अगर मैं ड्रिप एरीगेशन की बात करूँ तो इस पर 2 पैटर्न इस दफ़ा चल रहे हैं। एक तो 42 इंच के बेड पे 6 लाइनें लगा रहे हैं लोग और एक 36 इंच के बेड पे 4 लाइनें लगा रहे हैं। जो 4 लाइनें आप लगाएंगे उसके लिए आपको ड्रिप इरीगेशन के लिए ना ड्राई अगर सीड की मैं बात करूं तो 15 से 16-17 मन उसके साइज के ऊपर देखते हुए ना आपका वेट लगेगा ड्राई का। ठीक है। अगर हम उसको फ्रेश में ले जाएं तो वो आपको मिनिमम को 50-55 मन चाहिए होगा 1 एकड़ के लिए। अगर आप जाते हैं 42 इंच के बेड पे 6 लाइनें इस पैटर्न पे तो इस पैटर्न के लिए आपको जो फ्रेश सीड है वो तकरीबन 80 मन के करीब 70-80 मन के करीब चाहिए होगा। ठीक है। और वो ड्राई में आपके पास को 20 मन के अंदर बार आपकी उसकी क्वालिटी हाँ कम से कम होना चाहिए। हाँ जी डीप एरीगेशन के बगैर कितना ये 6 लाइनें है ना। अच्छा है। 4 लाइनें और 6 लाइनों को हमने डिस्कस कर लिया, अभी रहेगी 2 लाइनें जो 14 इंच के बैठ के ऊपर लोग लगाते हैं। तो उसपे जो मोस्टली ड्राई सीड है ना वो 10 से 12-13 मन लगता है ड्राई सीड, तो वो आप 35 से 40 मन खरीदें फ्रेश। ठीक है। तो उससे आपको 1 एकड़ का अच्छा सीड तैयार हो जाएगा। 45 मन तक। हाँ 45 मन भी कर लें, ये तो डिपेंड कर रहा है ना आपके ऊपर कि आप कितना नंबर ऑफ प्लांट्स लगाते हैं 1 एकड़ में और उसकी प्रोडक्शन उसी पे मैटर कर रही होती है। 1 किलो लगा के आपने कितने किलो फ्रेश पैदावार ली है, किलो खुशक लगा के?
नादर भाई, इसमें भी मुख्तलिफ लोगों की क्रॉप जो होती हैं, जो लोगों ने लिया है वो उनका अपना अपना एक एक्सपीरियंस है। इसमें मोस्टली लोगों का कहना है कि 1 किलो ड्राई लगाएं और 15 से 25 किलो के दरमियान आपकी जो फ्रेश निकलती है क्रॉप, ये डिपेंड कर रहा होता है आपकी मैनेजमेंट पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास प्रोडक्शन आई है वो मेरी आई है 1 किलो से 32 किलो। माशाल्लाह, 1 साल मेरी 32 किलो आई है, 1 साल मेरी 30 किलो आई है। तो अभी जो तीसरे साल की मेरी क्रॉप खड़ी है, बाकी देखें अल्लाह ताला खैर करेगा। ये इसकी कह लो कि पैदावार ये सलाहियत है जो NARC अदारे ने बताई थी, उसको इसने बहुत पीछे छोड़ दिया है। तो मेरे ख्याल में इसमें इतनी सलाहियत है कि ये आपकी सीड की सिलेक्शन प्लस आपकी मैनेजमेंट, ज़मीन की तैयारी, ये सारे मामला अगर आपके अच्छे जाते हैं तो ये आपकी 30+ जा सकती है 1 किलो से। और मिनिमम 15? हाँ जी, मिनिमम 15 तक तो लोगों की आ रही है ना। ठीक है, इसके बाद आम किसान को जो नया लगाने वाला है लहसुन, चले अगर किसी का खुशक में किसी को पता चला वो खुशक ले, किसी को फ्रेश में चला वो फ्रेश ले, लेकिन बेहतर क्या है नए किसान के लिए कि वो ताज़ा ले या खुशक तुरियों में ले? जो किसान है ना, किसान को तो बिल्कुल फ्रेश लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये फ्रेश वो एक तो उसको प्योर शक्ल में मिल जाएगा, एक थोड़ा रेट कम है उसके जी, तो वो अपने पास उठा के रखे, उसे अच्छा स्टोर करे, करके उसको आगे अपना अच्छी क्रॉप के लिए वो लगा ले उसको जी। तो ड्राई वो बंदा ले जो इसको ड्राई कर नहीं सकता, या मतलब उसका कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है फार्मिंग में, वो फिर ड्राई की तरफ जाए। लेकिन ड्राई में कुछ मसले मसाइल हैं, हम चूँकि पाकिस्तानी हैं इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता, और ये बहुत हमारी बेडलक है कि हम लोग शॉर्ट सोर्सेज निकालते हैं जल्दी अमीर होने के। तो कुछ लोग सस्ते सीड को लेके इसके अंदर दूसरी वैरायटियों की मिक्सिंग कर देते हैं ड्राई सीड में, तुरियों की शक्ल में, तो वो फिर एक आम नए बंदे के लिए उसको गैस करना, उनको पहचानना मुश्किल हो जाता है। तो वो उस हवाले से फिर थोड़े मसले मसाइल हैं। तो वो मैं ये कहूँगा उस फार्मर के लिए जो ड्राई लेना चाहता है, वो ऑथेंटिक बंदे से ले और किसी ऐसे बंदे को साथ ले जाए उधर जिसको पहचान हो सी। बिल्कुल ऐसा ही है, कुछ बारीकियाँ, कुछ जो जीवन के बारे में उसको कुछ ना कुछ जो है वो पता हो जी। तारिक भाई की ही फील्ड में मौजूद है, बहुत ही अच्छी फील्ड लगी। ऑलरेडी 2 वीडियोज इनकी बना चुका हूँ कि एक जीवन लहसुन पहले दिन से लेके पटाई तक कौन कौन सी चीज़ें आपने ऐड करनी है तो आपकी अच्छी फसल आएगी, और दूसरा इनकी सक्सेस स्टोरी के इनके लाखों लगा के आगे करोड़ों और अपनी 23 एकड़ की फील्ड, ये लंबा सफ़र हार्डवर्क कैसे तय किया वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी जो तारिक भाई आम किसान ख़रीदने वाला है, मतलब फ्रेश बुकिंग करवाता है तो साथ तो ले गया, लेकिन आगे स्टाम हो रहे हैं वो लोग आगे पीछे भाग भी जाते हैं, तो उनका ईमान नहीं साथ रहता, उसमें आम किसान बेचारा तो आगे ही बड़ा मुश्किल से पैसे बनाएगा। मैं अपनी पहली वीडियोज में भी ये बार बार बात कर चुका हूँ जी जी, मेरी रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना उन फार्मर के लिए, हाँ जी, उन ब्रोकर के लिए, खुदारा खुदारा अल्लाह के अजाब से डरें जी। बिल्कुल, ये जो छोटा फार्मर आ रहा है ना, वो बहुत मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके आ रहा है। बिल्कुल, उसके साथ हरगज 2 नंबरी बेईमानी ना करें। रिज़क अल्लाह ताला ने आपको बहुत दे दिया है, उनका भी हक है, वो भी इसी माशरे में रह रहे हैं, उनका भी दिल करता है कि उनको भी अच्छा अल्लाह मियाँ रिज़क दे, तो उनके साथ कोऑपरेट करें, उनकी हौसला अफजाई करें और उन्हें अच्छा सीड दें, और रेट में भी थोड़ी उनके साथ शफकत करें। और 2 नंबरी तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस पर नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ना, सीड अच्छा दें और जो कमिटमेंट आपने की है उसको पूरा करें। नए फार्मर के लिए यही है कि कोशिश करके वो किसी ऑथेंटिक पार्टी से ही परचेजिंग करें, उसका उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल ऐसा ही हो गया दोस्तों। आज हम जिस किसान के पास मौजूद है, इसने रियली रिकॉर्ड लगाया है जीवन की फील्ड में, जीवन इवन के NARC को चैलेंज किया है कि यार जो आपने कहा मैंने उससे भी बढ़ के आपके ही बनाए गए सीड की पैदावार लेके आपको दिखाई है, और 6 पौधे मैंने तो पाकिस्तान में, बहुत कम लोग हैं आई थिंक, चंद एक होंगे जिन्होंने जी। अभी इस साल भी कुछ फार्म पे मैंने कुछ दोस्तों को रिकमेंडेशन दी है, एक्सपेरिमेंट करवाए हैं इस दफ़ा, वो ड्रिप इरिगेशन भी है उनके फील्ड, हाँ जी, वो माशाल्लाह बड़ा पैटर्न। देखिए नादर भाई, ये आने वाले वक्त में ना हम कम एरिए से ज़्यादा प्रोडक्शन लेंगे तो ही हम मतलब अच्छे फार्मर अकाउंट होंगे, ग्रो अप कर सकते हैं जी। तो वो एकड़ को बढ़ा लेना मैं उसे मुनासिब नहीं समझता, किसी भी क्रॉप के लिए आपकी जो एवरेज है ना वो आपके नंबर ऑफ प्लांट्स पर डिपेंड कर रही होती है एकड़ में। बिल्कुल, तो वो आपकी एवरेज बनती है, तो वो ऐसे बुरे होते हैं। वैसे आगे फ्यूचर क्या देखते हैं, कितने साल एज ए सीड इस्तेमाल होगा, आगे मंडी में आएगा कितने का बिकेगा, पाकिस्तान इसे एक्सपोर्ट भी करेगा या हम ही खाएंगे? नादर भाई, इसमें देखें मुख्तलिफ दोस्तों से कुछ चीज़ें हमें मिलती रहती हैं, इसकी जो डिमांड है उससे इनकार नहीं किया जा सकता, और इसका जो यूज़ है पाकिस्तान में उससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। ठीक है,
ये आने वाले वक्त में मेरे ख्याल में जो पहले वैरायटियां लग रही हैं उनको बीट कर देगा हर लिहाज से ना। ये मार्केट में भी यूज़ होना है आपका, गज़ाई तौर पे हम इसको इस्तेमाल भी करेंगे मंडी में, और प्लस से इसके जो वैल्यूज़ हैं वो ऐसे हैं कि जो हम जैसे इसकी डिमांड है ओवरऑल वर्ल्ड में होती है पेस्ट की पाउडर की, तो ये उस साइड पे भी ये जाएगा और अच्छा रेवेन्यू लेके आएगा। और ये इंडस्ट्री का प्रोडक्ट है एक, तो इसको मतलब इंडस्ट्रियल लोग भी लेंगे, वो अपने प्रोजेक्ट लगाएंगे और इसको मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में, हाँ जी, इसकी वैल्यू एडिशन करके इसको पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। तारिक भाई, इसमें आगे एक और चीज़ आती है कि लगा लिया और वैल्यू एडिशन कर ली और इसको मतलब आगे कर लिया, मतलब मैनेज करते गए बढ़ाते गए। पाकिस्तान में देखा जा रहा है कि इसका लगाया है और कुछ लोग कहते हैं कि मैंने तो, और जो दोस्तों मेरा ख्याल है कि पहले आप बताएं कि इसका क्या टेस्ट जो है इस्तेमाल का जायका, वो कहते हैं कड़वा है, झाग आ जाती है, कुछ खराबी है। नादर भाई, इसमें जो आप क्रॉप लगाते हैं ना उसके जो लवाजमात अगर पूरे करते हैं ना उसको, फिर दोबारा आप जब ड्राई करके इसको यूज़ करते हैं जी, और उसकी क्वांटिटी जो हम यूज़ करते हैं जी, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं। इसका जो टेस्ट है बिल्कुल बिल्कुल देसी जैसा नहीं है, हम देसी के साथ इसको मैच करते हैं टेस्ट को, ठीक है। टेस्ट इसका डिफरेंट है थोड़ा उससे ना, देसी से लेकिन इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है ना उससे इनकार नहीं हम कर सकते, ठीक है। तो ये एशिया के चंद एक मुल्क हैं जिधर ये टेस्ट को ज़्यादा लोग करते हैं, अदरवाइज आप ओवरऑल वर्ल्ड में देखें तो लोग न्यूट्रिशन को वैल्यू देते हैं बिल्कुल। तो न्यूट्रिशन इसकी आपने देखा है कि इसकी रिपोर्ट आ चुकी है, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये आज नहीं कल ये मतलब यूज़ होना है आपकी किचन के तौर पे भी होना है इसने, और इसमें इंडस्ट्री लेवल पे भी यूज़ होना है। तो इसमें मतलब अभी शुरू शुरू में लोगों के ये ख्यालात हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल, मैं उनको नहीं सही समझता कि वो जो वो सोच रहे हैं वैसा है। हर बंदा तारिक भाई अच्छाई बयान करता है, मैं भी करता हूँ आप भी करते हैं। जीवन का कोई बुरा चेहरा, कोई स्कैम, कोई फ्रॉड, कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि यार ये धोखा हो रहा है या ये किसी के साथ जीवन लगाने वाले ये फ्रॉड कर रहे हैं? नादर भाई, इसमें हर बंदे की अपनी राय है, मैं फिर कहूँगा इसमें बस धोखा यही है कि आप सीड अच्छा दें, उसमें मिसकमेंटमेंट ना करें, इसको बाहर से इंपोर्ट करके ना लाएं, इसकी जैसी वैरायटियां जो उसको इसके अंदर मैच ना करें। पाकिस्तानी वैरायटी है, NARC का मतलब ये वैरायटी है, बहुत मेहनत के बाद हुमायूं साहब ने इसको मतलब प्रमोट किया है, तो इसको प्लस पॉइंट को देखते हुए इन लोगों को मेरी है कि वो बस इसमें दो नंबरी ना करें, वही स्कैम इसका है ज़्यादा, वही लोगों के साथ फ्रॉड है जब दो नंबरी होती है। बाकी इसकी ना मोनोपली होती है रेट के हवाले से, तो इसमें हम सब दोस्तों को चाहिए जो सीनियर हैं जो पहले से लगा रहे हैं कि इसके रेट जो हैं वो थोड़े से मुनासिब करके तो फार्मर को, ताकि आम फार्मर की पहुँच तक चला जाए, प्रोवाइड किया जाए। बाकी इसमें मतलब मैं नहीं समझता, हम जब वीडियो बना रहे हैं फरवरी के स्टार्ट में, आपके क्या रेट्स हैं आम किसान के लिए, आम फार्मर के लिए जो 10 मन 8 मन लेना चाहते हैं, आप क्या मेंशन करना चाहेंगे? नादर भाई, इसमें फ्लैट रेट तो किसी का भी नहीं हुआ, ठीक है जी जी। और मेरे ख्याल में मतलब फ्लैट रेट इसका हो भी नहीं सकता ना, ठीक है। हर किसी की अपनी फसल है, अपनी इन्वेस्टमेंट है। तो मैंने जो सेल किया है मैं वो आपको जरूर बता सकता हूँ कि टाइम के लिहाज से मतलब इसकी सेलिंग शुरू की थी, जैसे जैसे दोस्त आए मैंने इसको 1400 से स्टार्ट किया है इसकी बुकिंग, और 1400 से लेके मैंने 2500 के दरमियान इसको सेल किया है, ठीक है। उसमें इसकी टर्म्स एंड कंडीशन का थोड़ा फर्क होता है, क्वांटिटी का थोड़ा होता है फर्क आपको होता है, और एडवांस पेमेंट के कोई रूल्स हैं जो चल रहे हैं उसके मुताबिक इसको हमने किया है जी जी। बाकी जो क्वालिटी वाला सीड है वो मैं फिर कहूँगा कि 100-200 महंगा भी आप खरीद लें तो वो उसका आपको नुकसान नहीं है, जो क्वालिटी थोड़ी नरम है उसमें रेट्स थोड़े नीचे भी हैं, नीचे रहे हैं। अब तो मेरे ख्याल में कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही कि कोई बंदा 1600-1700 से नीचे सेल कर रहा हो, 1600-1700 से ऊपर ही जा रहा है अभी, यहाँ से ऊपर ही है। वो बंदे की अपनी होती है, जैसा कस्टमर उसे मिल जाए वो उस हिसाब से उसके साथ डील बनाता है बिल्कुल ऐसे है। लेकिन दोस्तों जो सवाल मैंने तारिक भाई से किए, इन तमाम सवालों के मेरे पास इसी तरह के जवाब खुद भी मौजूद हैं, खुद भी दोस्तों को बताता हूँ। ये सवाल इनसे करने का मकसद और आपको बताने का मकसद यही है कि मेरे साथ मेरी राय ही ना आप सुनते रहें, तारिक भाई की भी राय सुने और ग्रोवर्स की राय सुने जो 3-4 साल से यार इससे रेली करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और आम किसान को बताना चाह रहे हैं कि आप भी लगाओ, आप भी कमाओ, इस क्रॉप में बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल जो है ना वो एफर्ट करने के बाद मनी आपको मिलेगी। तो वीडियो अच्छी लगे, कोई सवाल हो कमेंट में लाजमी करिएगा,
इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में उसके जवाब देंगे। यहाँ पे जितनी भी फील्ड लगी हुई है, तारिक भाई इनके साथ है, राशिद भाई हैं, और मेरा ख्याल है कितने आप भाई हो? हम 3 से 4 लोग मिलके कुछ फील्ड हमारी अपनी सेपरेट है, और कुछ में दोस्त हमारे साथ पार्टनरशिप। हाँ जी, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप में मजा एक जी जी बिल्कुल 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 बड़ा अच्छा मुशावरत हो जाती है, और थोड़ी सी ना हेड एक कम हो जाती है कि यार तुम ये संभालो, मुझे ये संभालो। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही अपनी कैटेगरीज आ जाती, इसमें कोई शक नहीं। जीवन में आए तो मिल के आए, ठीक है, तो एक दूसरे का साथ दें। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।